गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज क्लास फाइव मैथ का फ्रैक्शन ऑफ मनी एंड मेजर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, यू नोन डैट द ऑपरेशन ऑफ मीन्स ऑफ टाइम ऑफ्स, सो फोर फिफ्थ ऑफ टेन मीन्स फोर फाइव इंटू टेन। जो ऑफ लिखा है इसका मीन्स इंटू होता है। उसके बाद एग्जाम्पल में देखते हैं, फाइंड 9/12 ऑफ 36। तो 9/ यहाँ ऑफ मीन्स क्या, इंटू। तो 9/12 इंटू 36, तो ये दोनों ऊपर इंटू होता है, 9 इंटू 36/12 होता है। तो 12 टेबल में ही कटेगा, 12 टेबल में कटने से क्या, 12 थ्री जा, तो 9 3 जा 27। उसके बाद हाउ मैनी पेस आर 7/10 ऑफ 1 रुपीज। 1 रुपीज में वन रुपीज़ का 7/10 कितना का है, तो 7/10 अब का क्या कहा था, अब मीन्स क्या, अब मीन्स इंटू। तो 1 रुपीज़ का है, 1 रुपीज़ इंटू कितने पैसे, 100 पैसे। कितने पैसे, 100। तो 100 लिख देंगे, हाँ पैसे कहा है यहाँ, तो 1 रुपीज़ के 100 पैसे। तो 7 इंटू 100 बाय 10। तो 10 टेबल में ये कट जाने से 100, 10 जाए 100, तो कितना होगा, 70। तो 70 पैसे। उसके बाद आगे 1/4 ऑफ ए मीटर का है, तो इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर का है। तो पहले जानना है हमें 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अभी लिख देंगे 1/4 ऑफ मीन्स इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, हमको सेंटीमीटर का है, तो 100 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो अभी ये 1 इंटू 100 बाय 4, 4 टेबल में 100 कट जाने से 25 हो जाएगा। तो ये होगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। आगे 11/18 इंटू 3 kg इक्वल, तो हाउ मैनी कहा, हाउ मैनी ग्राम कहा है। तो 1 kg इक्वल टू कितना ग्राम पता होना चाहिए, तो 1 kg इक्वल टू कितना ग्राम, 1 kg इक्वल टू कितना ग्राम, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 11/18 3 kg कहा है, 3 kg यहाँ कहा है, तो 1 kg को 3000 ग्राम होने से 3 kg को कितना ग्राम होगा, 3 kg को 3000 ग्राम होगा, 3000 ग्राम होगा। तो 11/18 इंटू 3000 कर देंगे, तो 11 इंटू 3000/18 करने से ये 3 टेबल में कट जाने से ये 1000 हो जाएगा। ये 3 टेबल में कटने से कितना होगा, 3 6 जा 18। फिर तो अभी 2 टेबल में काट देने से नहीं, अभी इंटू कर देते हैं, 11 और 1000 को इंटू करने से 11000 हो जाएगा बाय 6। अभी ये 6 टेबल में 11000 को काटने से कितना होगा, 11000 को 6 में डिवीजन करने से 6 1 जा 6, यहाँ 5 रह गया 50, 6 8 जा 48, 2 20, 2 6 3 जा 20, 6 3 जा 18, और 2 रहा फिर 20, 6 3 जा। इसके बाद पॉइंट आएगा, पॉइंट 2/6 होगा, 1833 2/6 ग्राम होगा। तो ये दिया है देखो। उसके बाद लीटर 3/4 ऑफ 8 लीटर का है, तो अभी हमें जानना जरूरी है ये 1 लीटर इज इक्वल टू कितना मिलीलीटर है, 1 लीटर इज इक्वल टू कितना मिलीलीटर है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 1000 इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो 8 लीटर इज इक्वल टू कितना मिलीलीटर होगा, 8000 मिलीलीटर। 1 लीटर को 1000 मिलीलीटर होने से 8 लीटर 8000 मिलीलीटर। तो 3/4 ऑफ 8 लीटर,
तो अब मीन्स इंटू कहा था तो 3/4 क्या 3/4 इंटू 8000 होने से ये 4 में ही कट जाने से 8 में 8000 का कट देने से कितना हुआ, कट जाने से 2000 ये हो जाएगा, फोर गया 3 इंटू 2000 इंटू होने से कितना होगा 6000, तो ये कितना हो गया 6000 मिलीलीटर हो गया 6000 मिलीलीटर। तो ऐसे करके अब मीन्स इंटू ऐसे करके जो किलोग्राम को ग्राम में, लीटर को मिलीलीटर में और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मनी के मेजर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना, थैंक यू। नेक्स्ट 6.10 एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में।